दोस्तों पोकेवेक हिंदी में तुम सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो बेसिकली बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐश के ऊपर। सो तुम लोग मतलब जो ऐश के फैंस हैं वो लोग बहुत खुश हो गए होंगे। तो मतलब मैं बेसिकली बता दूँ, आज का वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ऐश के ऊपर बेस्ड, और उसका नाम है टॉप 5 ऐसे पोकेमोन जो ऐश को जनरेशन 1 में पकड़ने चाहिए थे और उसने वो पकड़े नहीं। सो मतलब उसे चांसेस थे, ऐसा ही कुछ। तो ऐसा ही कुछ बेसिकली वीडियो में होने वाला है। तो दोस्तों अगर तुम लोग ने अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके लाइक करो, क्योंकि उससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि लाइक्स दिख के मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। सो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू वाले घंटे को दबाओ, ताकि मेरे पोस्ट नोटिफिकेशंस और वीडियो नोटिफिकेशंस तुम लोग को आए। तो यार, तो ऐश फैंस और मेरे पोके फैंस, तो चलो यार बिना कोई टाइम गवाए हमारा इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम ऐश हम ये देखते हैं कि ऐश ने कैंटो रीजन में यानी उसके जनरेशन 1 के पूरे जर्नी में टोटल ओवरऑल कितने पोकेमॉन्स पकड़े थे। ठीक है, तो दोस्तों इज इन माय ओपिनियन यानी मैंने सारे पोकेमॉन्स काउंट किए तो वो ओवरऑल उसने 10 पोकेमॉन्स पकड़े। जी हाँ, तो ऐश ने अपने पूरे जर्नी में मतलब पूरे यानी पूरे कैंटो रीजन की जर्नी में 10 पोकेमॉन्स पकड़े, और वो कौन से पोकेमॉन्स पकड़े वो भी मैं अभी तुम लोग को बता देता हूँ। वो थे पिजियोटो, बटरफ्री, बल्बसौर, चार्मेंडर, स्क्वर्टल, प्राइमेप, मक, स्नोरलैक्स और लैप्रस। सो दोस्तों अब मेरे को एक चीज़ क्लियर करने दो, तुम लोगों में से बहुत सारे जनों के बीच में ये डाउट होगा कि भाई कि स्नोरलैक्स और लैप्रस को मतलब उन दोनों को उसने ऑरेंज आइलैंड्स में पकड़ा था। तो मैंने ऑरेंज आइलैंड्स को जनरेशन 1 में ही कंसीडर किया है, क्योंकि मैं उसके पीछे का फैक्ट बता देता हूँ कि हमें ऑरेंज आइलैंड्स के बाद यानी ऑरेंज आइलैंड जब ख़त्म हुआ, ऐश जब घर आया, उसके बाद हमें जनरेशन 2 को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका मतलब होता है कि ऐश तब तक जनरेशन 1 में ही था, यानी इसका मतलब होता है कि ऑरेंज आइलैंड्स जनरेशन 1 के ही है, यानी वो जनरेशन 1 में ही इंक्लूड होते हैं। जो पोकेमॉन नंबर 5 पोजीशन पे आता है जिसको ऐश ने पकड़ना चाहिए था अपने सफ़र में, वो है जूबैट। तो दोस्तों तुम लोग भी सोच रहे होगे कि मैंने जूबैट को क्यों रखा इस लिस्ट में। तो जूबैट को रखने की ये बात है कि जूबैट को ऐश के पास एक चांस था जूबैट को पकड़ने का एम्प्टी मून के स्टार्टिंग में, बट उसको उस पागल सी मोर ने रोक लिया, या फिर उसको जो भी नाम है, मुझे अभी एपिसोड का नंबर पता नहीं अब दोस्तों, बट उसे पकड़ना चाहिए था और उसे ब्रॉक ने पकड़ लिया उस जूबैट को। तुम लोग देख सकते हो वो जूबैट गोलबैट नहीं बल्कि क्रोबैट में विकसित हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसे क्रोबैट होना चाहिए था, मतलब अगर वो जूबैट को पकड़ता तो वो जूबैट उसे जिम बैटल्स में अच्छी सी टक्कर दे जिम बैटल्स में बहुत मदद करता, और ऊपर से और तो इंडिगो लीग में और मदद करता, और ऊपर से ऊपर अगर वो विकसित हो जाता गोल बैट में तो उसके पास बहुत ही अलग टाइप का पहला पोकेमॉन होता, और अगर उसने उसे और अच्छी ट्रेनिंग दी तो वो बहुत ही अच्छे से हो सकता था। तो बट क्या करें, हमारा ऐश ने उसे नहीं पकड़ा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बस ये मेरे थॉट्स है। तो मतलब लेट्स गो, तो यही थी मेरी मतलब क्या बोल सकते हैं उसको यार, तो इसी वजह से मैंने जूबैट को नंबर 5 की पोजीशन पे रखा है इस लिस्ट में। तो अब हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे जो पोकेमॉन आता है यानी जिसको ऐश को पकड़ना चाहिए था, बेसिकली वो एक ही पोकेमॉन है बट वो दो अलग टाइप्स में मतलब है, मतलब मेल और फीमेल में है। तो देखते हैं, वो है नीडोरन मेल और फीमेल। तो तुम लोगों को पता ही है मेल पिंक कलर का रहता है और फीमेल रहती है ब्लू कलर की। सो दोस्तों मतलब मेरे को कहना क्या है, अगर इन दोनों में से एक को भी वो पकड़ लेता तो उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो जाता, और अगर उसने
उन्हें नीडोरीना या फिर नीडोरेनो इसमें तक भी विकसित करने जितनी ट्रेनिंग दी होती अगर देगा तो मतलब बोल सकते हैं वो और स्ट्रांगेस्ट टीम बन जाती ऐश की। तो मतलब मेरा बेसिकली कहना ये है कि अगर नीडोरैन दोनों या फिर मेल या फिर फीमेल इन दोनों में से अगर एक को भी पकड़ता ऐश तो मतलब उसके पास बहुत ही अच्छा पोकेमोन हो जाता, यानी पॉइजन टाइप पोकेमोन्स हो जाते दो और बल्बसोर के अलावा। तो मतलब ऐसा मतलब बहुत ही अमेजिंग हो जाता है, मतलब जर्नी और उसकी इंटरेस्टिंग हो जाती। और अगर गलती से इन दोनों से कुछ भी एक पकड़ा और गलती से ही बोलूँगा क्योंकि ऐश के हर एक पोकेमोन क्या पता कौन सा भी पोकेमोन विकसित हो सकता है, ऐसा बोल नहीं सकते। सो अगर वो नीडो किंग या फिर नीडो क्वीन इनमें विकसित हो जाते तो फिर उसके पास वो उसके चांसेस हो जाते कि और मतलब वो रिची को हरा सकता था। जी हाँ गाइस, चारिज़ार्ड ने तो उसकी बात नहीं मानी। तो मेरा यही कहना है अगर नीडोरैन या फिर नीडोरीना इन दोनों में से कुछ भी उसके पास होता तो वो उन्हें इस्तेमाल करके रिची को तो हरा ही लेता आराम से, और टॉप 16 के अलावा टॉप 15 या फिर टॉप 12 या फिर टॉप 10 तक पहुंच सकता था इंडिगो लीग में। तो दोस्तों यही है मेरा कहना कि ऐश को इन दोनों में से एक तो पोकेमोन पकड़ना चाहिए था, और इसी वजह से मैंने इन दोनों को इस लिस्ट में नंबर 4 की पोजीशन दी है। तो अभी बात आती है नंबर 3 के पोजीशन पे कौन सा पोकेमोन आता है जिसे ऐश ने पकड़ना चाहिए था कैंटो रीजन के जर्नी में। दोस्तों इस नंबर पे यानी थर्ड नंबर की पोजीशन पे मैंने रखा है जियोडूड को। जी हाँ, तुम लोग ने सही सुना, मैंने जियोडूड को रखा है इस लिस्ट में। तो अब मैंने इसे क्यों रखा, क्योंकि देखो अब तक जनरेशन 1 में मतलब देखा जाए तो मतलब जियोडूड ब्रॉक के पास था। अगर ऐश एक जियोडूड पकड़ लेता, ठीक है एक जियोडूड पकड़ लेता तो उसका क्या हो जाता यार, मतलब उसके पास थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन आ जाता। अगर जियोडूड पकड़ता तो उसके एडवांटेजेस बोलता हूँ, फायर टाइप जिम्स में उसको बहुत एडवांटेज मिलता क्योंकि रॉक टाइप पोकेमोन्स फायर गर्मी सह सकते हैं बहुत सारी, और ग्राउंड टाइप्स के सामने भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता था। और ऐसे ही बहुत अलग मतलब चीज़ें हैं जो मैं बोल नहीं, मतलब अभी याद नहीं आ रहा यार। तो मतलब ऐसा तुम लोग कह सकते हो मतलब कि जियोडूड पकड़ता तो उसका कोई ना कोई तो फ़ायदा होता ही था, मतलब उसका जिम बैटल्स में फ़ायदा हो जाता और उसके आगे भी बहुत सारा फ़ायदा हो जाता उसको, मतलब एकदम क्या बोल सकते हैं खतरनाक। मतलब अगर मैं अभी बात नहीं कर रहा कि हर एक पोकेमोन को विकसित होना चाहिए, मतलब तुम लोगों को पता है ऐश का बिहेवियर, वो एक पोकेमोन को अगर ट्रेन करता है तो दूसरे को नहीं करता जिसकी वजह से दूसरा पोकेमोन विकसित नहीं होता। तो ऐसा भी एक फंडा है ऐश का। तो मैं ये नहीं कर रहा अगर वो जियोडूड भी रहता तब भी वो बहुत स्ट्रांग होता अगर उसे थोड़ी सी भी ट्रेनिंग दे दी थी तो, मतलब बहुत ही अच्छा हो जाता यार, जैसे कि प्राइमेप था बट उसको नेक्स्ट एपिसोड में उसको छोड़ना पड़ा। तो इसी वजह से मैंने जियोडूड को इस लिस्ट में नंबर 3 का स्पॉट दिया हुआ है। तो अगर पसंद आया नंबर 3 के ऊपर जियोडूड तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसलिए मैंने जियोडूड को नंबर 3 पर रखा है। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे लिस्ट के नंबर 2 पोजीशन की, यानी सेकेंड नंबर की पोजीशन पर कौन सा पोकेमोन आता है जो ऐश को पकड़ना चाहिए था। सो मैं ये कहूँगा कि सेकेंड नंबर पर आना चाहिए रायहॉन दोस्तों, क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन है और ऐश के पास कैंटो रीजन या फिर जोटो रीजन तक कोई ग्राउंड टाइप पोकेमोन नहीं था जितना कि अभी मेरे को याद है। तो अगर कोई होगा पोकेमोन ग्राउंड टाइप ऐश के पास जोटो तक तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, मेरे को जो याद आ गया वो था पैम्पी। तो पैम्पी से पहले अगर उसने उसे पकड़ लेता यानी जनरेशन 1 में, यानी मतलब ऐश रायहॉन को पकड़ने वाला था बट रायहॉन को छोड़ के उसने टोरोस को पकड़ लिया। ये भी मैं कहता हूँ, तुम लोग ने अगर एपिसोड नहीं देखा सफारी जोन का तो वो हमारे इंडिया में बैन हो गया, तो बट तुम लोग देख सकते हो यूट्यूब पे जाके। तो वो ऐश उसे पकड़ने जा रहा था रायहॉन को, बट क्या हो गया रायहॉन उधर से निकल गया और उसका बॉल जाके लग गया टोरोस पे। तो फिर बाद में वो सब बॉल्स उसके ऊपर फेंकने लगे, फिर उसने 30 डॉलर्स उधर पकड़ लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ। अगर वो उस रायहॉन को पकड़ लेता तो उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग पोकेमोन आ जाता
एज यूजुअल जो उसे जिम बैटल्स में इस्तेमाल कर सकता था, उसे मेहनत देता जिम बैटल्स में, और इंडिगो लीग में भी उसका और अच्छा परफॉर्मेंस होता था। और बात आती इंडिगो लीग की ही नहीं बल्कि बाकी लीग्स की भी, यानी जहाँ पे मतलब जितने भी जनरेशन से अगर वो उसने कमबैक लिया होता, मतलब जोटो में भी उसने अगर इसका कमबैक लिया होता तब जोटो में भी वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता। तो दोस्तों इसी वजह से मैंने रायहॉन को इस लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन दी है। तो अब बारी आती है हमारे लिस्ट के नंबर 1 पोकेमोन की। दोस्तों जो नंबर 1 पे पोकेमोन आता है जिसको ऐश ने पकड़ना चाहिए था कैंटो रीजन की जर्नी में, वो है ड्रैगनाइट। तो दोस्तों अब तुम लोग मुझे गाली देते रहोगे मन में कि भाई तू ऐश के आउट ऑफ सिलेबस में से क्यों बोल रहा है कि मतलब ऐश तो कभी ड्रैगनाइट पकड़ ही नहीं सकता, मतलब क्या सोच के तूने इस पोकेमोन को इसमें रखा। देखो यार, मैंने पहली बात देखी कि ड्रैगनाइट का बहुत बार इंट्रोडक्शन हुआ है ऐश के जर्नी में, सो मैंने सोचा कि ड्रैगनाइट को नंबर 1 की पोजीशन पर क्यों ना रखूँ। दोस्तों सबसे पहली बात आती है ड्रैगनाइट को नंबर 1 पोजीशन पर रखने की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। सेकंड, वो वो एक ड्रैगन टाइप है प्लस फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है। थर्ड, वो एक स्यूडो लेजेंडरी पोकेमोन है, तो अगर ऐश पकड़ लेता तो यार क्या पता इंडिगो लीग भी जीत जाता ऐश, क्या बोल सकते हैं। बट ऐश ने उसे नहीं पकड़ा, मुझे पता था ऐश नहीं पकड़ पाएगा बट बहुत बार उसका इंट्रोडक्शन हुआ है तो इसलिए मैंने ड्रैगनाइट को नंबर 1 पे रखा। तो नेवर द माइंड, अगर तुम लोगों और कोई थॉट्स है इस लिस्ट के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है गाइज। तो इसी वजह से मैंने ड्रैगनाइट को नंबर 1 की पोजीशन दी है। तो दोस्तों, तो सबसे पहले चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना कि जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्ट में बताई कि ऐश ने टोटल 10 पोकेमोन्स पकड़े, सो ये चीज़ थोड़ी सी गलत है क्योंकि ऐश ने 11 पोकेमोन्स पकड़े, जो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि ऐश ने क्रैबी भी पकड़ा था। सो मैं कह रहा हूँ कि ऐश ने अभी 11 पोकेमोन्स पकड़े पूरे कैंटो रीजन के जर्नी में। सो वो थे पिकाचू, बल्बसोर, स्क्वर्टल, चार्मेंडर, पिजियोटो, बटरफ्री, मक, प्राइमेप, स्नोरलैक्स, लैप्रस और किंगलर, ठीक है। तो किंगलर विकसित हुआ था मतलब पहले उसके इंडिगो लीग बैटल में, ओके। सो गाइस, अब मैं बोलता हूँ अपना आउट्रो। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ताकि मेरे पोस्ट नोटिफिकेशंस और वीडियो नोटिफिकेशंस तुम लोग को मिले। और दोस्तों, और अपने पोके बडीज़ के साथ शेयर करना मत भूलना और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपने थाट्स